हमारा मन शब्दों, तस्वीरों और सिंबल्स में सोचता है, यानी अगर आप अपने किसी भी ख्याल को ऑब्जर्व करो तो वो या तो टेक्स्ट, इमेज या फिर एक सिंबल की फॉर्म लेकर बैठा होगा, और आपका हर ख्याल बाकी ख्यालों के एक नेटवर्क से जुड़ा होता है। अगर मैं बोलूं कॉफी, तो आप में से जिन लोगों को कॉफी पसंद है उनका मन एकदम से इस वर्ड को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस से एसोसिएट करेगा। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है या फिर आपको कॉफी नहीं पसंद, तो आप इस शब्द को किसी दूसरी इमेज से रिलेट करोगे। अगर मैं बोलूं फादर, ब्रदर या फ्रेंड, तो आई कैन गारंटी हर सुनने वाला इन शब्दों को एकदम डिफरेंट वर्ड्स, इमेजेस, आइडियाज और सिंबल्स के साथ जोड़ेगा। जिसके फादर उन्हें शुरू से बहुत प्यार करते आ रहे हैं, उनका एसोसिएशन और फादर वर्ड से जुड़ा नेटवर्क ऑफ थॉट्स अलग होगा उस इंसान से जिसे उसके फादर से सिर्फ हेट, ताने या फिर मार ही मिली। वन थॉट इज ऑलवेज रिलेटेड टू एंड इज अ रिमाइंडर ऑफ सम अदर थॉट। हमारा मन एक नए ख्याल को समझ पाता है उसे एक पुराने ख्याल से जोड़कर, यानी हर नया ख्याल भी बहुत हद तक पुराना ही होता है और कोई भी ख्याल ओरिजिनल नहीं होता। अगर आप सच तक पहुंचने के लिए ख्यालों का रास्ता चुनोगे तो आप कभी भी अपनी पुरानी बायसेस और बिलीव्स को नहीं पकड़ पाओगे और हमेशा सच को मिस कर दोगे। थॉट्स को बनाने में लगने वाला रॉ मटेरियल होता है हमारी पुरानी मेमोरीज, लेकिन सच कभी भी पुराना नहीं होता। जिस भी इंसान को सच की प्राप्ति होती है वो हमेशा सच को फ्रेश, न्यू और अलाइव घोषित करता है। सच हर दिन और हर मोमेंट में पैदा हो रहा होता है, लेकिन हमारी मेमोरीज और उनसे बनने वाले ख्याल पुराने और मरे हुए होते हैं। हाउएवर, अगर आप नोटिस करो किसी भी टेम्पल, मॉस्क, चर्च या फिर किसी सिमिलर सेक्रेट प्लेस को, तो आपको वहाँ बहुत ही सुंदर इमेजरी, सेक्रेट टेक्स्ट्स और सिंबल्स देखने को मिलेंगे। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि हर एंशियंट जगह पर हमारे एंसेस्टर्स ने लोगों के लिए सच तक पहुँचने के लिए शब्दों, इमेजेस और सिंबल्स का यूज़ करा, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सच इन चीज़ों में मौजूद नहीं है। ये दोनों बातें ही सच हैं, क्योंकि कोई भी शब्द तब तक मंत्र नहीं बनता, कोई भी तस्वीर या फिर मूर्ति तब तक पवित्र नहीं कहलाती और किसी भी सिंबल को ताकतवर नहीं माना जाता जब तक इन चीज़ों पर इंसान अपनी पूरी अटेंशन नहीं डालते। जिस भी चीज़ पर हम अपनी फुल अवेयरनेस के साथ अटेंशन पे करते हैं, हम उसी चीज़ में खुद को देख पाते हैं। दुनिया में मौजूद हर एटम की वही कहानी है जो आपकी है। ये बात आपको सिर्फ तभी समझ आती है जब आपकी अटेंशन में इंटेंसिटी होती है। सोचो कि कैसे दो लोग जो 20-25 साल तक एक दूसरे के लिए एकदम अनजान थे, वो साथ मिलने पर एक दूसरे में खुद को देख पाते हैं। जो भी चीज़ें हमें सेपरेशन के इल्यूजन को भुलाकर ये याद दिलाती हैं कि दुनिया में हर चीज़ एक ही है, हम इंसान उन चीज़ों को सोने की तरह सलामत रखते हैं। हर किसी को एक अनजान इंसान से प्यार कराना आसान नहीं होता, इसलिए इस काम के लिए यूज़ करा जाता है ब्यूटी को, क्योंकि ब्यूटी एक बेवकूफ़ इंसान से लेकर एक हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान को भी अपने वश में करना जानती है। इसी वजह से हर इंसाइट या फिर सिम्बॉलिक इमेज को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने से सच सोसाइटी के ज़्यादातर लोगों के लिए अपीलिंग बन पाता है। आइडियाज़, सिंबल्स, वर्ड्स और इमेजेस तब हमारी ग्रोथ और एनलाइटनमेंट का जरिया बन जाते हैं जब हम उन पर अटेंशन पे करते हैं। अगर ये सच नहीं होता तो इन एंशियंट बिल्डिंग्स और स्कल्पचर्स की ब्यूटी पर हमारे एंसेस्टर्स ने इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा होता। ब्यूटी कैचेज आर अटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन लीड्स टू हायर अवेयरनेस। वेयर देर इज़ नो ब्यूटी, देर इज़ नो अटेंशन। सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए या तो आप एक आम इंसान के आगे खूबसूरती के एसेंस को पेंटिंग्स, मूर्तियों, कहानियों या फिर कविताओं में जाहिर कर सकते हो, या फिर आप सिंपली उन्हें हर चीज़ में ही खूबसूरती देखना सिखा सकते हो। इंडियन फिलोसोफर एंड मिस्टिक जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि चाहे एक कवि की लिखी कोई कविता हो, पेंटर की बनाई पेंटिंग हो या फिर एक लेखक की लिखी किताब हो, इन सब कामों को पूरा करने के लिए ही इमेजिनेशन लगती है। बिना इमेजिनेशन के एक कहानी नहीं लिखी जा सकती या फिर कोई पेंटिंग नहीं बनाई जा सकती। लेकिन क्या इमेजिनेशन ज़रूरी है सच तक पहुँचने के लिए? नहीं, इमेजिनेशन हमारी परसेप्शन को, रियलिटी को एज इट इज़ देखने से रोकती है। लेकिन अगर हम अटेंटिवली ये देखें कि हमारे आसपास क्या चल रहा है और हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, तो हमारी लिमिटेड इमेजिनेशन भी हमें लिमिटलेस ट्रूथ के पास पहुंचा सकती है। एक रैंडम ख्याल या फिर इनर टेंशन भी हमारी अवेयरनेस का हिस्सा बन जाता है जब हम इस फैक्ट पर टेंशन पे करने लगते हैं कि हम इनअटेंटिव हो गए हैं। हर प्रॉब्लम एक्चुअल में एक सोल्यूशन ही है जो बस अभी अंधेरे में है, और हमारी अटेंशन का काम होता है इस अंधेरे पर रोशनी डालना। कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि सच तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज़ को रिजेक्ट मत करो, हर ख्याल को बिना कोई मतलब निकाले देखो, और अगर एक ख्याल के साथ उससे जुड़े और आइडियाज़ या फिर इमेजेस भी दिमाग में आए तो उन्हें भी देखो। इवन अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, टीवी देख रहे हो या फिर जो भी काम कर रहे हो, उस मोमेंट में किसी भी इन्फॉर्मेशन को बिना उस पर लेबल लगाए प्रोसेस करना सीखो। किसी अमीर को देखकर उसे खुशनसीब
या फिर गरीब को देखकर उसे बेचारा मत बोलो, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग वेज में खुशनसीब और बेचारे हैं। किसी अनजान इंसान को पराया या फिर सगे भाई बहन को अपना मत बोलो। सेपरेशन इज ओनली अ थॉट दैट बॉन्ड्स आउट ऑफ आवर एवोल्यूशनरी मेमरी, बट ऑल मेमरीज लीड टू फॉल्सहुड अनलेस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग एंड फॉलोइंग देम। एक एटम दूसरे एटम से अलग लगता है जब तक आप उसे एक दूरी से नहीं देखते। एक पत्ती दूसरी पत्ती से अलग लगती है जब तक आप उसे दूरी से नहीं देखते। एक इंसान भी दूसरे से अलग लगता है जब तक आप उसे दूरी से नहीं देखते। और एक ग्रह दूसरे ग्रह से अलग लगता है जब तक आप उसे दूरी से नहीं देखते। दूर से देखने पर चीज़ें आसपास लगती हैं और पास से दूर दूर। सच को जानने और समझने का मतलब है लाइफ को सबसे ग्रैंड या फिर मैक्रो लेवल पर जीना। जितना ज़्यादा आपका मन खुलेगा आप उतने ही आसानी से ये देख पाओगे कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। और जितना आप ये देख पाओगे कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है उतना ही आपका मन खुलने लगेगा। अवेयरनेस के बढ़ने का यही मतलब होता है कि आप हर चीज़ को इतनी अटेंशन के साथ देख पा रहे हो कि अब आपकी नज़र में कोई बाउंड्री है ही नहीं। जो अंदरूनी है वही बाहरी है और जो तू है वो ही मैं हूँ। यही वजह है कि क्यों कृष्णमूर्ति हमेशा ये बोलते थे कि अवेयरनेस लीड्स यू टू ट्रुथ। नाउ अगर आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को अपनी मनचाही डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हो, लेकिन आपको सिर्फ डीप वीडियोज़ ही नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स अनलिमिट योरसेल्फ। अनलिमिट योरसेल्फ को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि आपको अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने की मोटिवेशन मिलने के साथ साथ ये भी समझ आए कि क्यों आपकी पोटेंशियल आपकी सोच से बहुत ज़्यादा है और आपको क्या करना चाहिए खुद को और खुद की लाइफ को रैपिडली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इंट्रोडक्शन और ये समझने के बाद कि कैसे आपकी पोटेंशियल उतनी लिमिटेड नहीं है जितनी आप सोचते हो, थर्ड मॉड्यूल में आप हर उस चीज़ से डील करना सीखोगे जो आपको अभी तक अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती आई है। फिर चाहे वो चाइल्डहुड बैगेज हो, आपकी फैमिली में चलते आ रहे जनरेशनल पैटर्न्स, एडिक्शंस, लैक ऑफ कंट्रोल, लिमिटिंग बिलीफ्स, फिलॉसफीज या फिर एक लैक ऑफ पर्पस, इन प्रॉब्लम्स को कोई भी दूसरा कोर्स एड्रेस नहीं करता। फोर्थ मॉड्यूल में आपको बहुत सी ऐसी टेक्निक्स मिलती हैं जो आपको अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट पर मास्टरी हासिल करना सिखाएंगी। फिफ्थ मॉड्यूल आपको सिखाता है कि आपको दूसरे लोगों से कैसे डील करना है और अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए आपका एग्जिस्टेंस के टुवर्ड्स एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। और सिक्स्थ मॉड्यूल आपको सीधा ये इनसाइट देता है कि एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन शुरू और ख़त्म कैसे होती है। और हर वो इंसान जो सच और सफलता के रास्ते पर चलता है वो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा से कैसे डील करता है। इसके साथ ही बहुत जल्द हम कोर्स का पहला लॉन्ग फॉर्म Q&A भी करने वाले हैं जिसमें हम 1000+ लर्नर्स के बर्निंग क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। इसलिए लॉग ऑन करो gandhiuniversity.com पर एंड एनरोल इन आवर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स अनलिमिट योरसेल्फ। ऑलरेडी बहुत से लोग अपनी लाइफ, पर्सनैलिटी और माइंडसेट को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं एंड आई होप आप भी अपना सालों का समय गलतियों में वेस्ट करने के बजाय इस कोर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि आपका ये डिसीजन आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने में बहुत मदद करेगा।